हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया की नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न। और 10 दिसंबर आज की तारीख है, तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं टाइम पर। पाइप एंड सिस्टर्न आपके लिए मैं आज का टॉपिक लेके आया हूं। 100 डेज के स्टडी प्लान का ये सब कुछ पार्ट है, जिसमें हर एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ द टॉपिक, बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप अगर मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको तीन चीजें रखनी पड़ेंगी, या फिर मैं कहूं कि लाइफ में किसी भी फेज में अगर आप रहेंगे तो आपको तीन चीजों को मतलब अपने आप में ढालना पड़ेगा। वह तीनों चीजें क्या हैं? आपको तीनों चीजों का ध्यान रखना है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन। तो तीनों चीजों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी 11 से 12 और 12:30 से 1 ये क्लास इसी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर होती है, ठीक है। साथ के साथ में 3 से 4 और 8 से 9 ये मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर होती हैं। आपको मैं ये क्लासेस रेगुलर दे रहा हूं, जिससे कि आप सिलेक्शन ले ही पाए, है ना। और ये बिल्कुल उसी तरह से तैयारी कराई जा रही है, यहाँ थ्योरी और पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। तो एक जो कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, मैं उसको लेकर चल रहा हूं। नया बैच मेरा फाउंडेशन कोर्स का शुरू हो चुका है, साथ के साथ में मेरा टारगेट CHSL बैच भी आ चुका है। टारगेट CHSL बैच मेरा 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और वह आज या कल में मैं इसको लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी कोर्स आपको एक साथ ही मिलते हैं, एक ही फीस में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन भी मिलेगा और टारगेट CHSL भी मिलेगा, और अन्य विषय के सभी एजुकेटर की क्लासेस भी एक ही फीस में मिलेंगी। 12 महीने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर Sahil10 एज ए रेफरल कोड लगाकर आप जुड़ सकते हैं और बिना किसी गैप के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद डिस्काउंट मिल जाएगा और जल्दी जुड़कर अपने आपको मतलब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। Sahil10 एज ए रेफरल कोड यहां लगाना है, ठीक है माय डियर, नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। आगे आगे अगर हम बात करते हैं, ज्योमेट्री का मेरा रिवीजन सेशन चल रहा है 3 बजे। ज्योमेट्री का मैं रिवीजन करा रहा हूं, बहुत अच्छे तरह से करा रहा हूं। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं मेरे द्वारा तो आपको सिंपल पता होगा कि 3 बजे ज्योमेट्री की मेरी क्लासेस अभी चालू है, फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो पढ़ने वाले के लिए ये फ्री क्लासेस हैं, इनके लिए पैसा नहीं है, ये फ्री क्लासेस हैं, ये आपके एग्जाम के लिए मैं तैयारी करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, तो साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, ट्रायंगल वहां चल रहा है मेरा, तो ये मौका मत जाने दो। ये अनअकैडमी पर मेरी क्लास होती है 3 बजे, ठीक है। रात को 8 बजे वाली क्लास कौन कौन विद्यार्थी कंटिन्यूअस ले रहा है ये मुझे आप बताएं। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और वास्तव में कुछ सीखना चाहते हैं तो यार इस कैच द मैथ को लेना मत भूलो, इस कैच द मैथ को लेना मत भूलो भाई। बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप अगर रेगुलर हैं तो आपको फील आ रहा होगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, कृपया करके ये मौका हाथ से मत जाने दो। आराम से इस कैच द मैथ में जुड़ो, रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेशन होता है और बहुत तसल्ली से प्रैक्टिस करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है। इस सेशन का की पॉइंट क्या है जो रात को 8 बजे अनअकैडमी पर होता है? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, मिक्स क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको सारे चैप्टर कवर हो जा रहे हैं, ठीक है, डीप एनालिसिस हो रहा है हर क्वेश्चन का। तो एक ही क्लास, ये देखो आप कहते हैं कुछ लोग इस क्लास में जो चल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट चल रहा है, और रात को 8 बजे प्रैक्टिस चल रही है, 12:30 बजे पीवाईक्यू चल रहा है, तो मैं अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूं। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, अल्टीमेटली पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। और बढ़िया, लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूं। लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल देता हूं, डेली मेरा काम बिल्कुल निश्चित होता है कि डेली कमेंट बॉक्स में लिंक और PDF आती है। आप ध्यान दें, अगर आप अनअकैडमी पर नए यूजर हैं तो आप अपने फ्री प्लान के लिए इनवाइट कोड Sahil10 लगाएं, ये आप अवश्य ध्यान दें। अगर आप मेरी क्लास के अलावा और किसी टीचर की क्लास भी देख रहे हो तो भी इसी कोड से अनलॉक हो जाएगी वो क्लास, Sahil10 से लगाकर आप जुड़ सकते हैं। तरीका आपको मेरी प्रोफाइल में जाकर मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, मैंने इस वीक की क्लासेस भी बना दी हैं, वो मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। फ्री प्लान के लिए Sahil10, ये जितनी भी मेहनत मैं कर रहा हूं ये किसके लिए कर रहा हूं, कृपया एक बार सोच के देखिएगा कि मंडे आता नहीं, संडे का सोचने लगता हूं, क्योंकि आपको मुझे कंप्लीट प्रिपरेशन करवानी है। तो ये सारी चीजें मेरी प्रोफाइल में आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर। अब सुन लो भाई, NTPC की फाइनल तैयारी, अब आराम से सुन लेना प्लीज और लिख लेना, अच्छा रहेगा। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में सैटरडे को 12 दिसंबर 3 बजे टेस्ट लूंगा, फुल लेंथ टेस्ट। पहली चीज, सैटरडे को 3 बजे फुल लेंथ टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, संडे को सुबह
यहाँ पर होगी क्लास और जो सैटरडे को चलती आ रही है वो चलेगी, और संडे को रात शाम को 5 बजे यहीं पर होगी और यूट्यूब चैनल पर, ये दोनों क्लासेस यूट्यूब पर है, है ना। संडे की 3 बजे फिर टेस्ट होगा, ठीक है, और संडे की रात को 8 बजे टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का पूरे हफ्ते का निचोड़, ठीक है, फिक्स है भैया टाइम, ठीक है, ये आपके लिए कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे पता है, आप पढ़े मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, ये गारंटी है, और पेपर में क्वेश्चन आएगा ये भी मैं कह सकता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे, 2 पुरुष 3 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं, 2 आदमी हैं और 3 लड़के हैं, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को, यानी कि काम वही है, 8 दिन में कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये चीज आपको समझनी होगी, है ना, सर्वप्रथम ये चीज आपको समझनी होगी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। पहले आप सॉल्व करो, 20 यहां आदमी आ रहे हैं, 24 तरीका देखो, मैंने एम का देखा, यहां 20 है यहां 24 है, तो आंख बंद करके 4 लिख दो क्योंकि घटेगा ही हमेशा, ठीक है, यहां 30 और यहां 16, आराम से आंख बंद करके 14 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैन और विमेन, मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 7 और 2, मैन और बॉय की एफिशिएंसी आ गई 7 और 2, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, टोटल वर्क निकाल के बताओ, आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे से लगातार पढ़ रहा है, एक एक चीज भाई, एक बार नहीं आएगी, 2 बार नहीं आएगी, 3 बार नहीं आएगी, लेकिन लगातार अगर करते रहोगे तो निकालना सीख जाओगे, टोटल वर्क निकालना है। तो सर ऐसा कर लो ना, या एम को 7 रख दो, बी को 2 रख दो यहां पर, क्योंकि यहां ऐसा रखने से है ना बैलेंस हो जाता है मामला, एम बराबर 7 रख दो क्योंकि एम 7 के बराबर है, 14 6, तो 14 और 6 20, ये तो जुड़ रहा है, इनटू 10, तो टोटल वर्क आ गया 200। यहां तक आप में से किसी को भी कोई दिक्कत हो, टेंशन हो, तो मुझे कहो भाई टोटल वर्क निकाल लिया। अब आप सोचते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स आदमी एक लड़का 12.5 दिन, ये टाइप मैं कई बार करा चुका हूं और ये कई बार पेपर में आ चुका है कि भाई साहब यह 200 काम इतने दिनों में हो रहा है, इतने दिनों में 12.5% में, याद है कितना होता है 1/8, तो बिना परसेंटेज में 100/8, तो दिन का भाग दे दो 100/8, यानी कि ये एफिशिएंसी आएगी भाई, ये 16 जो आ रहा है ये क्या आएगा ये बता दो। चलो मैंने टोटल वर्क में दिन का भाग दे दिया जो कि 12.5 दिन को मैं 100/8 कहता हूं, कैसे कहते हो, जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो 12.5 को 1/8 कहा था, अगर परसेंटेज नहीं है तो वो 100/8 है, सिंपल सी बात है। तो मैं ये कहता हूं कि 100/8 का भाग दूंगा तो 8 भिन्न भिन्न है तो 8 ऊपर चला जाएगा, 16 क्या आ गया, एफिशिएंसी आई है, क्या आई है, कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता किन की, एक्स आदमी और एक लड़का, तो एक लड़के की तो 2 है, एक लड़के की तो 2 है, तो 16 बराबर एक एक्स आदमी है, एक्स आदमियों की 7 है और एक लड़के की 2 है, तो 14 बराबर 7x, एक्स बराबर आ गया 2, तो आपका आदमी कितने होंगे, 2 होंगे। मजा आ गया, अगर आपने किया है क्वेश्चन तो वाकई में आपका आंसर 2 आ रहा होगा, मैंने समझा दिया, अगर फिर भी दिक्कत आती है तो सीखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से कैसे करोगे, जादुई तरीका, A-2 व्यक्तियों द्वारा A+2 दिनों में कोई कार्य किया गया, अब कार्य जो किया गया ये कार्य ही तो है, A+2 दिनों में जो कार्य किया गया, तो इसका कार्य और इसके कार्य का अनुपात दे रखा है, तो 15/16 कर दो, कोई दिक्कत भाई, आपको यही तो बोला गया है, एफिशिएंसी गुना टाइम इसका वाला, एफिशिएंसी इनटू टाइम इसका वाला, दोनों का अनुपात ही तो दोनों के वर्क का अनुपात होगा, कट गया। आपको ये मैंने योगांतर अनुपात सिखाया हुआ है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, लेकिन जिनको आता है उनको सिखा रहा हूं। डायरेक्ट गुणा क्या करोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेना, और जिनको डायरेक्ट सीखना है वो ऐसे सीख सकते हैं कि यहां तो अंतर आता है इसका कोफिशियंट,
तो 16 में से 15 गए तो एक ए बराबर, 16 दूनी 32 और 15 तिया 45, 45 में से 32 चले गए तो 45 में से 32 चले गए तो 13। तो आपका क्या पूछा गया है, ए माइनस 3 10 के बराबर है। 10 किसका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा हूं, आप कैलकुलेशन भी आसानी से कर पाए। मैं तो कहता हूं कि आपको नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी यही आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट सीखना चाहते हैं कि जल्दी कैसे करें, तो मैंने कहा था कि इन दोनों का अंतर एक आ रहा है, तो इस ए का कोफिशियंट एक बना दो। आपको सिंपल बज्रगुणा करना है तो 16 दूनी 32, 15 तिया 45, तो 45 में से 32 घटा दो। नेक्स्ट भाई लाइक करते रहो, बस ये काम नहीं रुकना चाहिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आ गया है वेजेस पर आधारित, मजदूरी पर आधारित प्रश्न है। एक बार आप ट्राई करिए, मैं इतने फटाफट से आपको एक चीज और देने वाला हूं इसमें, इस क्वेश्चन को करो फटाफट, जल्दी से करो, अच्छा लगेगा आपको करने के बाद में, खुद को फील आएगा भाई साहब, और आपकी फील ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आइए सिखाता हूं, आइए। मैंने आपको जब मजदूरी पढ़ाया था ना, तो मजदूरी को मैंने इस तरह से समझाया था, याद करिए मजदूरी कैसे बांटी जाती है। अगर मैं वेज की बात करता हूं, अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है तो उसकी मजदूरी भी तो उसको मिलेगी ना। तो आप मुझे बताइए अगर मजदूरी है तो किस तरह से बांटी जाती है, मतलब एक्चुअल में किस तरह से बांटी जाती है ये बताओ, बाकी सारी चीजें छोड़ो आप, एक्चुअल में मजदूरी किस तरह से बांटी जाती है, एक्चुअल में मजदूरी, एक्चुअल बांटने का तरीका क्या है, कोई बता सकता है आप में से, मतलब किस रेशो में बांटी जाएगी, एक्चुअल बांटने का वे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वे है, कितने लोगों को पता है, देखते हैं पता लगेगा, देखो कितने लोगों को आता है कितने लोगों को नहीं आता। देखो जैसे कि अलेखा है, गलत बोल रहे हैं, पता ही नहीं है इनको, एक्चुअल में यही तो बात है ना, आधी नॉलेज। गौरव ने सही दिया है आंसर, वेरी गुड गौरव। अंतिमा ने सही दिया है, और मैं दीपान्विता को देख रहा हूं, उन्होंने भी सही दिया है, जीतू ने भी सही दिया है, सुभाष ने भी सही दिया है, हाँ वेल डन। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्चुअल में देखो एफिशिएंसी तो लोग बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बांटने का वे है वर्क है, ऑब्वियसली बात है, ये तो आप समझते ही हो ना भाई, जरूरी है ना, वर्क के हिसाब से बांटा जाएगा ना यार। हो सकता है कि कोई मजदूर बहुत ज्यादा समय तक काम करे, हो सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम हुई तो हो सकता है कि जो कम समय तक काम करे उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हुई तो उससे ज्यादा काम कर जाए, पैसा मिलेगा, क्योंकि काम ही एक्चुअल पैरामीटर है। तो काम किसके बराबर होता है, अगर हम कहते हैं सर वर्क के हिसाब से बांटा जा रहा है तो वर्क होता किसके बराबर है, हाँ वर्क डिपेंड करता है कितना समय के लिए काम किया और कितनी एफिशिएंसी के साथ काम किया, वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी होता ही है, ये तो हमने सिखाया ही था आपको। तो जब कोई इंसान या दो लोग आपस में काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो सेम दिन काम करते हैं, हमारा काम करने का टाइम सेम है, अगर यहां टाइम कॉन्स्टेंट हो गया, अगर यहां टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है तो आपका पैसा काम के अनुपात में बटेगा और काम सीधा एफिशिएंसी के अनुपात में है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो ये स्पेशल केस है, आप डायरेक्टली ये याद रखें कि वर्क के रेशो में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे देखते हैं। ए और बी एक काम को 2250 रुपए में करने के लिए तैयार हैं। ए अकेला वह कार्य को 8 दिनों में करता है, बी अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है, सी की सहायता से वे, अब अकेला नहीं है सी, सी की सहायता से वे, वे मतलब ए बी एंड सी तीनों। तो ये छोटी सी चीज होती है जहां बच्चा कंफ्यूज रहता है, आपको ये समझना होगा कि कभी भी ऐसे बोले सी की सहायता से वे, वे मतलब तीनों, 4 दिन में करते हैं,
एलसीएम ले लोगे आप 24, हमें एफिशिएंसी निकालने में ज्यादा लगाव है तो मैंने निकाल दिया। अब आपको पता लग चुका है सर ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीनों की 6 है, तो 6 तभी हो सकती है जब ए और बी तो 3 और 2 हो गई, सी 1 हो गया। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सी को कितना हिस्सा मिला, तो सी जो पैसा मिलेगा ना ये 2250, भाई पैसा तो इतना ही है, तो ये जो 2250 रुपए है ये इस रेशो में बांट दिया जाएगा। कारण क्या है? कारण यही है गुरुजी, आपने ही बताया था कि यहां पर कोई ऐसा नहीं कर रहा है, कोई अलग अलग काम नहीं कर रहा है, सभी लोग शुरू से ही काम कर रहे हैं, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है। ठीक है, राइट है, वेल डन वेल डन। चलिए बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी चीजें समझ पा रहे हो। तो हम यहां कह सकते हैं 6 रेशो बराबर 2250, 1 रेशो बराबर 6 3 18, बचे 4, या फिर कह सकते हैं 6 4 24, नहीं 6 3 18 ओके है, 4 6 7 42, और नहीं जा रहा है ना, पूरा नहीं कट रहा है शायद, है ना, आई थिंक कट रहा है, 6 3 18 4 और 6 7 42 कट गया ना, 6 5 30 375 आ गया। हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, यही है सी का 1 रेशो 1 रेशो है ना, 375 रुपए। डन है भाई साहब, डन है, तो 450 नहीं होगा, सी का हिस्सा 1 रेशो है तो 1 रेशो ही मिलेगा उसको। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो इस क्वेश्चन को आप करके बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार करके बताओ। मैं इतने एक और क्वेश्चन देता हूं आपको जो मैंने इस फाइल में डाला नहीं था यार। डन है, आइए फटाफट से करिए इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आ रहा है देखते हैं। ए बी सी मिलकर 500 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, ए और सी मिलकर 240। तो ये देखो जरा, अब ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूजन तो आपको होगा ही होगा, सर कैसे करूं। अरे यार सिंपल है, ए और सी मिलकर 240 रुपए एक दिन में कमाते हैं, बी और सी मिलकर 320 रुपए एक दिन में कमाते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है होने को, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये दिन दे रखा है, ये तो दे रखा है भाई, इतना इतना कमाते हैं। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस 2c बराबर 560, जबकि हम देख रहे हैं कि ए बी सी 500 है। तो आपको ये डायरेक्टली भी पता लग जाता, लेकिन मैं तो आराम आराम से समझाने वाला व्यक्ति हूं। सी केवल केवल 60 रुपए कमाएगा, तो यही पूछा गया है कि सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, 60 रुपए। क्लियर है माय डियर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो जो गलती कर रहे हो उस गलती से सीखिएगा आप, आपको बहुत काम मिलेगा इससे, बहुत 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 हेल्पफुल होने वाली है चीजें आपके लिए, ठीक है। 2250 सिर्फ ए और बी का बोला है, तो ए और बी 5 है, अरे ऐसा नहीं होता है। जब आप काम में तीनों को इंक्लूड कर रहे हो तो सी की सहायता भी ले लिया आपने, तो अब सी भी तो पैसा लेगा, सी कोई बेवकूफ थोड़ी है जो काम करके चला गया, तो सी को भी इंक्लूड उन्होंने ही किया है ना, इसलिए पैसा उसको भी मिलेगा, काम भी तो कर रहा है ना वो। चलिए क्लियर है माय डियर, समझ में आ रही है बात आप लोगों को, बहुत अच्छे तरह से क्लियर हो रही होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका जवाब आप मुझे दें, देखते हैं क्या आता है आंसर। आराम से दें, देखो गलतियों से सुधरोगे आप। अच्छा लग रहा है, लाइक करते जाएं प्लीज, है ना, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। ए बी सी एक काम को,
ए बी सी एक काम को 4, 5 और 6 घंटे में करते हैं। मैंने बोला कि भाई टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, ए बी सी, हाँ ठीक है, ए बी सी, ये कौन है भाई, अभिजीत आलोक खरे, भाई क्यों करना है डिसलाइक, भाई क्यों करना है अभिजीत बताओ भाई, पता नहीं क्या स्टूडेंट हो यार तुम, खैर छोड़ो, सबकी तो सुनी नहीं जा सकती ना, खैर चलो अब चलते हैं आगे। हाँ यहां पर आ गया 60, आओ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ो, केवल 4 बराबर 4 का भाग दिया 15, 5 का भाग दिया 12 और 6 का भाग दिया 10। चलिए ए बी सी ए 4, 5, 6 के पूरा करते हैं, वे यदि वे सब मिलकर काम करते हैं और उन्हें पूरे काम की मजदूरी इतनी मिलती है। अब सब मिलकर काम कर रहे हैं सिंगल, मतलब सभी लोग सेम डे काम करेंगे, ये बात आपको क्लियर है ना, सभी लोग सेम काम करने वाले हैं, सेम मतलब डे उनके समान है, तो डेफिनेटली आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि यार एफिशिएंसी के रेशो में बांटो सर। अब तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 37 रेशो में तो बांटा जाएगा, ठीक है, तो 37 रेशो पैसे बांट दो बस, टोटल मजदूरी यही है ना, 925 रुपीज, तो 1 रेशो बराबर कितना होगा, देखो 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 काट के कितना निकल कर आ रहा है, कट के जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ काट के कितना निकल कर आ रहा है, तो आप इसको जब काटोगे तो 37 से, तो देखो 37 इज ए प्राइम नंबर, ओके तो काटना तो पड़ेगा, तो देखते हैं कि किससे कटता है और यहां पर हमारे पास क्या आंसर आता है, तो 37 × 37 = 74 and 6 = 80 or 12, 80 or 12, ठीक है ना, तो 16 और ये कट जाएगा आपका 25 टाइम्स, और 15 रेशो निकालना है तो 15 × 5 = 75, हाँ 375 राइट आंसर आ जाएगा, 375, देखो ये 25 बार जा रहा है और आपको क्या निकालना है, ए का हिस्सा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 15 रेशो, तो आपको 15 रेशो से गुणा करना पड़ा, 375 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए, आगे चलते हैं, करो अगले क्वेश्चन को, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगा बढ़िया वाला, जल्दी करो सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, चिंता ना करें। टाइम सब हो गया, आइए पी एक काम को अकेले 6 दिनों में, क्यू एक काम को अकेले 8 दिनों में, और पी और क्यू मिलकर 4800 रुपए में इस काम को करने का जिम्मा लेते हैं। अब देखो सेम है, रीता सामने देखिए, जो आप बार बार एक ही कमेंट कर रही हो उस चीज को समझो कि अकेला 6 दिन में कर रहा है, क्यू अकेला 8 दिन में कर रहा है, लेकिन वही काम आर के सहयोग से, यानी कि तीनों आ गए, अब सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, आर के सहयोग से 3 दिनों में हो रहा है, तो क्या मानोगे, आपने 24 मान लिया, तो 6 × 24 8 × 3 = 24 3 × 8 = 24, तो अब आप खुद देखिए ना, जब यही काम है, अब इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी तो निकल कर आ गई, वही काम है, काम वही हो रहा है और कोई छोड़कर नहीं जा रहा, तीनों भी तो मिलकर कर रहे हैं यहां पर, तो पी की एफिशिएंसी 4 है, क्यू की एफिशिएंसी 3 है, तो आर की 1 हो जाएगी, तो अब ये इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई और काम यही हो रहा है, तो मान लो अगर आर भी सम्मिलित हो गया काम में, अब तो आर भी सम्मिलित है ना, तभी तो आर का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी, आपको देखनी है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है, उस हिसाब से बटेगा पैसा, तो 4800 रुपए ही है भाई, ऐसा होता है ना कई बार ठेका ले लेते हो आप, ठेका चाहे पी और क्यों ने लिया है, लेकिन ठेका तो है ही 4800 रुपए का, अब उनसे नहीं हो रहा काम, आर को भी ले लिया, बोले तू भी आ जा, तेरे को भी दे देंगे, लेकिन जब एफिशिएंसी कैलकुलेट करी तो आर तो एक ही एफिशिएंट है, तो बटेगा तो इसी रेशो में ना, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो 8 रेशो बराबर ये, 1 रेशो बराबर 600, तो आर को कितना मिलेगा, ओनली 600 रुपीज 1 रेशो, क्लियर माय डियर, समझ में आ गई बात, तो ऐसे आप सोचिए, आपको कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होगी, आप जब हैबिचुअल हो जाओगे कि भाई ठेका उतने का है, अब ठेका चाहे कोई भी लेकर आए, समझ रहे हो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों ही इंक्लूड क्यों नहीं है,
लेकिन इस केस में बोला है तीनों इंक्लूड है, तो आपको तीनों में बांटना है, सिंपल केस है, 4800 रुपए बांटने, ठीक है। चलिए, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन करिए फटाफट से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में आता है और आप कंफ्यूजन में रहते हैं, मैं इस कंफ्यूजन को आज दूर कर दूंगा। चलिए, टाइम सब हम कह सकते हैं और बहुत अच्छे तरह से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो मेरी बात को हमेशा समझो, मैंने शुरू से एक ही बात कही है कि ए और बी कार्य का इतना हिस्सा कर लेते हैं। अब इतना हिस्से का मतलब क्या है, यानी कि ये हमारा नीचे जो होता है ये हमारा टोटल काम है, और कितना किया है ए और बी ने, 8। ये चीज समझो, मतलब कब समझोगे पता नहीं, लेकिन समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि टोटल काम अगर 13 है तो ए और बी के द्वारा 8 काम किया गया है, और अकेला सी कितना करेगा, भाई सी भी है ना, तो आप बांटोगे तो सही ना आप काम को, तो सी कितना करेगा, 5। तो 13 अगर टोटल काम है तो उस 13 काम का 650 रुपया बट रहा है, तो 1 = 50 रुपया, तो सी का हिस्सा पूछा गया है, क्योंकि इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता है आपको, तो आपको कितना मिल जाएगा, 50:1 है, तो 5:2 मतलब 250 रुपए मिलेंगे सी को। ए और बी की हम नहीं निकाल सकते क्योंकि उनके बारे में हमारे पास स्पष्ट एफिशिएंसी नहीं है। गॉट इट, क्लियर हो रहा है, वेल डन गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो डियर, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और बहुत अच्छे तरह से चीजें समझ में आ रही हैं, और मैंने आपको पता होगा कि एक भी टाइप नहीं छोड़ा है, ऑल टाइप मैंने कवर किए हैं, जितने भी टाइप बनते हैं, ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है, आप सारे टाइप कवर करते चलोगे। अब देखो ये टाइप भी मैंने ले लिया जो MDHP बेस्ड है, एक बार करके बताओ, सर हम एफिशिएंसी से कब बांटेंगे, यहां भी तो टाइम सेम है ना, इंजीत अभी तो एफिशिएंसी से बांट रहे हो, बांट ही सारा एफिशिएंसी से रहे हो आप, है ना, और ये वाला वर्क से बांटा था इससे पहले वाला, क्योंकि वहां वर्क दे रखा था। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने एक चीज लिखाई थी, आपको लगता था कि सर यूज क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके रेलवे एग्जाम्स में, M1, D1, H1 / W1 तक तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन R1 भी होता है, यानी कि ये रुपीस को डिनोट करता है। सिमिलर केस में M2, D2, H2 / W2, R2, तो ये चीज भी आप ध्यान रखें, बहुत काम आती है, जैसे कि ये इस वाले क्वेश्चन के लिए काम आती है, 6 पुरुष हो गए, 15 दिनों में इतना वेतन मिलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, सर कैसे करें, ये तरीका अच्छा है, 9 पुरुष 16 दिनों में कितना वेतन लेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई टेंशन मत लेना, मैं देखता हूं कि भाई आराम से कर सकते हैं सॉल्व, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो करना चाहें तो आप, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, इसलिए कह रहा हूं मैं, सोच समझ के कहता हूं। तो 6 से काटा मैंने 700 बार, 3 से काटा मैंने 5 बार, 3 से काटा मैंने 3 बार, 5 से काटा मैंने 140 बार, तो अब मुझे पता है ये निकलेगा इधर, 4 × 12 = 2 × 6 = 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब बहुत सारे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि एक टाइप और है, तो यार इसीलिए मैंने वो पेन ड्राइव इधर ली थी और इधर लगाई थी, तो मैं अभी एक बार उस टाइप को डाल देता हूं, है ना, ये क्वेश्चन करो। अच्छे से करना है ना, ध्यान से, गड़बड़ मत कर देना। अनुराग कह रहे हैं राशन वाला, अनुराग जब तुम एक कल चैटिंग कर रहे थे ना किसी से, तब वो मैंने करा दिया भोजन वाला, अब राशन कर लो या भोजन कर लो, बात बराबर ही होती है भाई, है ना, अब ये जरूरी थोड़ी है कि राशन वाला ही आएगा, भोजन कर लो, राशन खत्म हो गया, भोजन खत्म हो गया, बात बराबर है, ठीक है। चलिए
वेल डन गाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिनका राइट आंसर आया है 14,400, बहुत अच्छी बात है और मैं खुश हुआ। अच्छा लगे लाइक करिए, जिनको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सब्र किया करिए, क्या पता आ जाए। तो अब मैं बताता हूं, ए बी सी किसी कार्य को 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में कर सकते हैं। मैंने टोटल मान लिया क्या 150 चलेगा, नहीं 300 चलेगा सर, एफिशिएंसी निकल कर आ गई 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 20, 20 से काटेंगे हम इसको 15 बार और 25 से काटेंगे हम 12 बार, तो ये एफिशिएंसी आ गई। ए और बी काम शुरू करते हैं, फिर ए 3 दिन के बाद छोड़ देता है, छोड़ने दो, अगले दिन 4 दिन के बाद बी अकेला कर देता है, सी उसके साथ जुड़ जाता है, फिर वे दोनों 5 दिन तक कार्य करते हैं, उनको कुल 24,000 रुपये मिलते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि ये टोटल अगर मजदूरी है तो बी का हिस्सा बताओ, क्या आप इस 24,000 को एफिशिएंसी के रेशो में बांट सकते हो क्या, ये बता दो बस। ठीक है, बताओ क्या आप इस तरह के प्रश्न में एफिशिएंसी के रेशो में बांट सकते हो क्या। अब खुद को फील आ रहा होगा सर ये तो बहुत इधर उधर हो रहा है कि ए 3 दिन बाद छोड़कर जा रहा है, फिर बी अकेला काम कर रहा है, क्या है सर ये। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी जब पैसा बटेगा तो वर्क के रेशो में बटेगा, तो ए का वर्क निकालो, बी का वर्क निकालो, सी का वर्क निकालो। सर वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी, कितने दिन काम किया है, ए और बी काम शुरू करते फिर 3 दिन के बाद ए छोड़ देता है, यानी कि ए ने 3 दिन ही काम किया, ठीक है सर। फिर मैंने बी पर गया तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, बी बहुत कर्मठ लग रहा है, पहले तो ए के साथ काम किया 3 दिन, फिर अगले 4 दिन अकेले काम किया 7 दिन, फिर सी के साथ काम किया, तो अलग से दिन निकालो कि बी ने अगले अलग कितने दिन काम किया, तो 3, 4, 7 और 5, 12 दिन, तो बी द्वारा 12 दिन काम किया गया है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, और सी द्वारा 5 दिन काम किया गया है क्योंकि बस उसने बी के साथ ही काम किया था। ये एक्चुअल रेशो आया है आपका जिसमें काम का रेशो है ये। अब इसमें बटेगा पैसा, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, मैं 3 से काटता हूं, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 5 से कटेगा, 5, 5 3 15 और 5 चौके 20, तो 4, 12 और 4 और कट जाएगा 1, 3, 1, यही आ रहा है क्या, 1, 3, 1 ही आ रहा है, आप एक बार चेक करें, 1, 3, 1 ही आ रहा है, देखो 1, 3, 1 ही आ रहा है, तो 4 रेशो बराबर आपका कितना आ जाएगा, बी का हिस्सा पूछा है, 4 रेशो बराबर, कोई गड़बड़ तो नहीं की मैंने, ठीक है, अच्छा इंग्लिश रॉन्ग है, इंग्लिश में मिस्टेक है क्या, ए बी सी, ए बी स्टार्ट, ए अलोन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर मिस्टेक है तो देख लेना, और मैंने वैसे भी जल्दी जल्दी में एक क्वेश्चन बनाया था तो देख लेना आप, चेक कर लेना, है ना, मैंने इसलिए बाद में ऐड किया, मैंने कहा ये रह गया टाइप, ठीक है 1, 3, 1 ही आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहां से मैं इसको काट देता हूं, तो इस रेशो में अगर बांटते हो आप तो कितना निकल कर आ रहा है, 1 बराबर आपका निकल कर आ रहा है 6,000, राइट, 5 रेशो है वो, 5 बराबर आएगा ना, तो 5 बराबर है, तो ये 5 बराबर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 1 बराबर 480, मतलब 4800 इंटू 3 करेंगे तो आपका बी का हिस्सा पूछा है ना, तो 4800 इंटू 3 करेंगे तो 14,400 राइट आंसर है, तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है, हाँ वो मैंने देखा नहीं था, ठीक है भाई साहब मैं उधर चला गया था, ठीक है सर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पढ़ाएंगे। आशीष रोज बोलता हूं भाई, है ना, सारे चैप्टर होंगे, सारे चैप्टर में सब आ गया भाई, है ना, तो आप टेंशन मत लो इस चीज की, 4800 आएगा और 1 रेशो बराबर 4800 है, तो बी का हिस्सा 3 है, तो 3 बराबर गुणा कर दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है। इंग्लिश थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जल्दी में होगा थोड़ी सी गलती हो गई होगी तो आप मैनेज कर सकते हैं, तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये टाइप कराना जरूरी था इसलिए मैंने करा दिया। ऑल सेट। अब आपको डिफरेंशिएशन पता लग गया क्या, ये बताओ, ये कहां चले गए हम, अब आपको डिफरेंशिएशन पता लग गया क्या, ये बताओ, पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन पता लगना जरूरी है, ठीक है, यही डिफरेंशिएशन बताना चाह रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न, चलो
आइए, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ये हो गए हमारे सारे, और यहाँ पे हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आइए, हेडिंग डाल लीजिए, पाइप एंड सिस्टम हेडिंग डाल लो, पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि जो आपको ना आए, सिंपल लॉजिक है। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बता देता हूं। पाइप को बोलते हैं नल एवं टंकी, ठीक है, पाइप एवं टंकी, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम। चलिए, पांच कहां से आया? अरे एक तीन और एक पांच ही होता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम हम पढ़ाने वाले हैं। अब अभी तक हमने जो उसमें देखा टाइम एंड वर्क में, सारे लोग काम कर रहे थे, तो इसी से ही एक थीम ली गई है कि यार काम तो कर रहे, पाइप एंड सिस्टम कोई अलग चीज है क्या? बोले नहीं है सर, कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है। बस यहां क्या होता है कि कितने समय के लिए पाइप का फ्लो रेट समझ में आता है कि पानी कितना समय के लिए बह रहा है, और अगर बह रहा है, अब बह रहा है मतलब बहरा नहीं, फ्लो हो रहा है, ठीक है, या पानी गिर रहा है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी रेट से गिर रहा है, कितने टाइम के लिए गिर रहा है, तो अगर मैं कह सकता हूं इनका गुणा करने पर क्या आएगा, उस टंकी की कैपेसिटी आएगी। अब कैपेसिटी इज ए क्षमता, अब क्षमता मतलब समझने की कोशिश करना, ये कार्य क्षमता नहीं है पहली बात तो, ये उस टंकी की क्षमता है। जैसे कि आपने घर में कभी देखा होगा कि टंकी की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, जैसे कि बोलते हैं 1000 लीटर की टंकी लगवा दो, 2000 लीटर की टंकी लगवा दो, तो वॉल्यूम यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है वो है। तो मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको आप एज ए वर्क ले लें, जैसे कि टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी बनवाऊंगा आपसे, इसको आप एज ए वर्क ले लें, इसको आप एज ए एफिशिएंसी काउंट करें, बस सारा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। टाइम तो टाइम होता ही है, उसको आप एज ए वर्क ले लें, इसको आप एज ए एफिशिएंसी ले लें। अब यहां दो चीजें चलती हैं गुरुजी, बोले क्या चलती है सर? आइए, मैंने बोला एक टंकी है, एक टंकी 10 घंटे में किसी टैंक को भर, सॉरी एक पाइप है, एक पाइप है वह 10 घंटे में किसी टैंक को भर सकती है, और एक दूसरी पाइप है जो उस टैंक को 5 घंटे में खाली कर सकती है। सुनना मेरी बात, यह भरने वाली पाइप है, तो इस भरने वाली पाइप को क्या कहा जाता है? भरने वाली पाइप को इनलेट कहा जाता है। एक एक चीज याद रख लो, दिमाग में रख लो, काम आएगी आपके, ठीक है। भरने वाले पाइप को इनलेट कहा जाता है, और अगर मैं कहता हूं कि बी 5 घंटे में खाली करती है, यानी कि ये कौन सी वाली पाइप है? खाली करने वाली पाइप, टंकी को खाली भी तो कर सकती है पाइप, टंकी खाली करने वाली पाइप को क्या कहा जाता है? आउटलेट। तो नाम से पता लग रहा है कि इनलेट पाइप मतलब भरने वाला पाइप, खाली करने वाला पाइप माइनस में आएगा, वो टंकी को खाली करेगा, क्लियर है। तो इसी पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि मान लीजिए एक टंकी है, इस टंकी में पानी 20 लीटर तक भरा हुआ है, मैंने बोल दिया कि 20 लीटर तक भरा हुआ है, तो यहां पर मैंने कहा कि ये एक पाइप लगी हुई है, एक पाइप नीचे लगी हुई है, यह जो पाइप है ये कौन सा पाइप होगा? इनलेट पाइप होगा, बोलो हाँ या ना, और यह जो पाइप होगा ये आउटलेट पाइप होगा, होगा नहीं होगा बताओ, क्योंकि जब टंकी में कोई पानी को फिल करेगा तो वो इनलेट पाइप, ये पानी को निकाल रहा है तो ये आउटलेट पाइप हो गया। चलिए, तो मैंने सेम क्वेश्चन लिया है आपसे, और जो क्वेश्चन आप गलती करते, मैंने कहा कि इनलेट पाइप 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, और आउटलेट पाइप 5 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा, मतलब होगा क्या ये बताओ, कि दोनों पाइप जब, मतलब दोनों पाइप
इनलेट प्लस आउटलेट अगर दोनों खोल दिए जाएं तो क्या होगा, मतलब ये बताओ। तो मतलब होगा क्या अगर इनलेट प्लस आउटलेट को दोनों को खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो देखो बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आता है कि कहानी क्या है सर। भाई ऐसी बात है, सेम कहानी है, 10 आपकी टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी। सुनना अभी मजा आएगा, 10 आपकी टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है सर। यहां मैंने बोला है कि 20 लीटर भरी हुई है, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई। 10 अगर कैपेसिटी है, 20 लीटर भरी हुई है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है, चलेगा ही नहीं। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो टंकी है वह केवल 1/5 भरी हुई है। ऐसे बोल दूं कोई दिक्कत है? टंकी केवल 1/5 भरी हुई है, इससे क्या होगा, मैं सेफ हो गया कि यार देख लेंगे फिर कुछ भी आएगा तो उसका 1/5 भरी हुई है, ठीक है। अब मैंने यहां पर देखा इनलेट वाला पाइप +1 की रेट से क्या कर रहा है, भर रहा है, और आउटलेट वाला पाइप -2 की रेट से खाली कर रहा है। बोलो, इनलेट वाला पाइप +1 की रेट से भर रहा है, भरेगा ना भाई, 10 अगर कैपेसिटी है तो इनलेट वाला पाइप भर रहा है और आउटलेट वाला पाइप खाली कर रहा है, क्या टंकी भरी जाएगी? क्या टंकी भरेगी क्या, ये बताओ। जब दोनों को खोल दिया जाएगा तो आपको लग रहा है कि यार माइनस में आ रही है, तो यानी कि तो टंकी तो खाली होगी। अब खाली कितनी होगी, यहां आपने देखा, आपने बिल्कुल सही किया, मैंने आपको एक हिंट दिया कि टंकी 1/5 पहले से ही भरी हुई है, ऑलरेडी फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड। मैंने कहा कि ऑलरेडी भरी हुई है 1/5, अब 1/5 उस कैपेसिटी का ले लेना, कोई इश्यू नहीं है। अब तो यहां ओवरऑल टंकी खाली हो रही है भाई साहब, तो खाली हो रही है तो 10 का डिवाइड नहीं करोगे, 10 में डिवाइड नहीं करोगे। खाली कितनी होगी टंकी, खाली उतनी होगी जितनी भरी हुई है, तो 10 का 1/5 हिस्सा ही तो भरी हुई थी, केवल 2 यूनिट ही तो भरी हुई थी, तो 2 यूनिट को खाली करने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो राइट आंसर आपका 2 घंटे होगा, ना कि 10 घंटे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 घंटे होगा, ना कि 10 घंटे। मेरी बात और लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यहां बस एक चीज आ गई जो आपको परेशान कर सकती है, वो क्या है, खाली करने वाली पाइप। तो उसका बस माइनस का मतलब है खाली होने, माइनस का मतलब खाली होना। अब खाली तो तब होगा ना जब टंकी भरी होगी, टंकी भरी हुई नहीं है, और टंकी भरी हुई कितनी है, 1/5, तो 10 कैपेसिटी का 1/5 यानी कि 2 यूनिट टंकी भरी हुई है, 1 की दर से अगर मैं खाली करूंगा तो 2 घंटे में खाली हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा लग रहा है यार, लाइक करो, 9500 लोग देख रहे हैं और तुमसे लाइक नहीं हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझा देता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है और वो मेंसुरेशन में भी काम आएगी। कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है और पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने सर्कुलर माना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हर बैच में पढ़ाता हूं, चाहे वो मेरा पेड़ हो चाहे फ्री हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अगर मेरा पाइप है और पाइप की अगर रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि डायमीटर डबल हो गया, सुनना मेरी बात, आप देखना कितने लोग आंसर देंगे बिल्कुल बेवकूफों वाला, डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगी? अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैंने एक पाइप का बोला कि ये एक पाइप का डायमीटर है, अब मैंने दूसरी पाइप लिया उसका डायमीटर मैंने डबल कर दिया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? केवल रेडियस के बारे में बात कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं कह रहा आपसे। ये पहला पाइप है, ये दूसरा पाइप है, मैंने बोला कि यहां से मैंने डायमीटर को डबल कर दिया, पहले इसका जो कुछ भी होगा, अब यहां 2D है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, मतलब टाइम्स में पूछा है मैंने। बहुत बढ़िया, ओहो, 1/4, 4R, इनके लिए तालियां बजनी चाहिए भाई साहब। अरे यार कैसी बातें करते हो तुम, मेरे को है ना कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां दिमाग चलता है भाई। कभी भी कोई भी चीज रेशो में हो, को पता है कि अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेडियस भी डबल ही होगी, ठीक है, रेडियस भी 2 टाइम ही होगी सर। ऐसा कैसे,
फैक्टर सेम सिमिलर केस ही तो है। हाँ सिमिलर केस है, मैंने आपसे टाइम्स पूछा है कितने गुना होगी, टू टाइम्स, नहीं आया ना, आइए यही तो फर्क है बस। मैं कह देता हूं एक एग्जांपल ले लेता हूं बढ़िया वाला, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल गया। मैंने बोला D1 मेरा 10 है और मैंने बोला कि D2 मेरा 20 हो गया, ठीक है, सही है ना, डबल कर दिया मैंने, तो बताओ इधर रेडियस क्या होगी और इधर रेडियस क्या होगी और R2 और R1 का रेशियो कितना होगा, फिर आपको संतुष्टि मिल जाएगी। एक पूछ रहा है भाई सुनील, डायमीटर की हिंदी बताइए सर। चलो ठीक है सुनील, डायमीटर की हिंदी नहीं पता, आर तो पता होगा ना, आर तो त्रिज्या की बात कर रहे होंगे, चलो ये भी नहीं पता, तो क्या ये कोई साइंस की टर्म हो सकती है क्या, अगर गोलाकार बना दिया तो गोले में क्या होता है, बचपन में ये तो देखा होगा ना इंसान, चाहे हिंदी इंग्लिश ना पहचाने लेकिन हिंदी में ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये गोला नहीं है सर, हिंदी में तो गोला ऐसा बनता है, गोला है तो यार बुद्धि लगाने के बाद में अगर मैं आपसे कह दूं यार गोला है तो इसमें कोई लंबाई चौड़ाई तो आएगी नहीं, त्रिज्या ही आएगी और डायमीटर ही आएगा, तो व्यास और त्रिज्या के बारे में तो आप भलीभांति परिचित ही होंगे। अब देखो यहां वो गड़बड़ होती है ना, वो गड़बड़ आप समझ पा रहे हो अब कि सर अभी तो आप पांच आ जाएगी रेडियस और यहां आ जाएगी दस, तो मैंने कहा भाई वही तो कह रहा हूं आपसे, तो आप कंफ्यूज कभी भी मत होना लाइफ में। पहली चीज मैंने आपको आज सलाह दी है, आज मैंने आपको ज्ञान दिया है क्या कि डायमीटर चार गुना होगा तो रेडियस भी चार गुना होगी, तो आपको फंसाने के लिए वो बोलेगा, आपको बोलेगा, वो आपको बोलेगा क्या डायमीटर दुगना कर दिया मैंने, तो आप सोचोगे रेडियस चार गुना हो जाएगी, नहीं नहीं रेडियस तो वही रहेगी क्योंकि डायमीटर का आधा होता है ना, सोच सकते हो सोचने में क्या जाता है, लेकिन ध्यान रखना कि फर्क नहीं पड़ता है रेशो में, वो डबल ही होने वाला है। सो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई सर, आइए दूसरी चीज कि अगर कोई पाइप है इस पाइप में से कितना आयतन निकला, इस पाइप में से पानी निकलता है ना, तो इस पाइप में से कितना वॉल्यूम निकला है, कितना आयतन निकला है, वो कैसे पता लगा पाओगे, बता सकता है आप इसे, इस पाइप में से कितना आयतन निकला है, तो आयतन निकलने का मतलब किस स्पीड से निकल रहा है पानी, कितने टाइम तक निकल रहा है और कितने एरिया से निकल रहा है उस पे डिपेंड करता है, नोट कर लेना, यानी कि उस पानी निकलने की दर क्या है, कितने समय के लिए निकल रहा है और कितने क्षेत्रफल से निकल रहा है। समझ में आ रही है क्या बात, समझ में आ रही है, इस चीज को नोट करें, तो अगर मैं कोई पाइप के बारे में बात करता हूं तो आपको यह ध्यान रखना होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी पाइप की अगर आप बात करते हो, क्योंकि पाइप के बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि नलवे टंकी है, पाइप का तो खेल ही है, अगर मैंने बोल दिया कि ये पाइप है जिसका रेडियस R1 है और एक पाइप है जिसकी रेडियस R2 है, तो R1 अनुपात R2 का अनुपात दे रखा है 2:1, तो पाइप की रेट क्या होगी, रेट का अनुपात क्या होगा, यानी कि ये पहले पाइप की बात कर रहा हूं, ये दूसरे पाइप की बात कर रहा हूं, तो रेट का अनुपात क्या होगा बताइए, फ्लो रेट का अनुपात क्या होगा बताओ, ये पाइप मैंने R1 दे दिया, ये पाइप मैंने R2 दे दिया, मैंने कहा कि R1 की त्रिज्या है 2:1, मतलब R1 दुगना है R2 से, यू कह सकता हूं कि मैंने इस त्रिज्या को आधा कर दिया, कर दिया, तो आप मुझे बताइए रेट मतलब जो पानी निकलने की दर है उसका अनुपात क्या होगा, और पानी निकलने की दर ही एफिशिएंसी होती है जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था। वेल डन रविंद्र, वेल डन सत्यम कुमार, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वह होता है 1:4। अब मेरी शक्ल देखोगे, कहोगे सर कैसे हुआ, कारण क्या है, ये सब आप हमें बताइए जिससे कि हम ये समझ पाए। अब बच्चों वाली बातें होती हैं, देखो बचपन में आपने देखा होगा
किसके घर में ट्यूबवेल देखा है किसी ने? ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का पाइप होता है ऐसा मोटा, ऐसा होता है ना बड़ा वाला। अब ट्यूबवेल से पानी आप लगाते हो, कितनी दूर तक जा सकता है पानी? आपने देखा होगा कुएं से जब पानी निकलता है इतनी मोटी पाइप से, तो इतना दूर गिर जाएगा, इतना दूर गिर जाएगा, लेकिन पानी ज्यादा निकल रहा है क्योंकि एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेट की, फ्लो रेट, फ्लो रेट उसका धीमा होता है एज कंपेरेटिव टू जिसका एरिया कम होगा उसका फ्लो रेट ज्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? सर एरिया से क्या मतलब है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया है, एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कहते हैं आपसे कि जो फ्लो रेट है, जो फ्लो रेट है वह एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है फ्लो रेट स्पीड। आपने अक्सर देखा ही होगा ये, तो आपको बचपन में भी पता है, समझ में आता है ना, जब अपनी पतली वाली पाइप होती है तो कितनी दूर तक चिंगारी, ओ क्या कहते हैं, धार जाती है, देखा होगा। हाँ समझ रहे हो ना, जिनके घर पे ट्यूबवेल है उन्होंने देखा होगा भाई मोटी वाली पाइप होती है, उसमें ऐसे जब फसल में पानी लगाते हैं अपन लोग तो उससे पानी दूर तक ही गिरता है मतलब। लेकिन अगर हम छिड़काव करते हैं कभी तो ऐसे अपन एरिया को उसको कम कर लेते हैं और एरिया को कम करने का दूर तक पानी जाता है, राइट। तो वही केस है, जो एरिया होगा ना वो फ्लो रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम चीज यहां करनी है आपको, क्या करना है मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो गुरुजी यानी कि अगर हम एफिशिएंसी का रेशो निकालेंगे और अगर हमें पाइप का दे रखा होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आर वन स्क्वायर करेंगे और आर टू स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि एरिया का रेशो निकल जाए। तो एरिया का रेशो कितना निकला था यहां से? 4:1, क्योंकि 2:1 थी ना आर वन आर टू। तो एरिया का रेशो अगर 4:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो कितना हो जाएगा पहली पाइप और दूसरी पाइप का? उल्टा हो जाएगा। बाइक धोने के टाइम देखा होगा, जब बाइक धोते हैं तो कितनी तेजी से पानी निकलता है क्योंकि बहुत बहुत कम एरिया होता है उस वाली पाइप का, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन देता हूं। एक पाइप है सर जिसकी रेडियस दूसरी वाली पाइप से, मतलब दूसरी वाली पाइप की रेडियस 3 गुना है। तो ये पहली पाइप है, ये दूसरी पाइप है, तो दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशो बताओ। पहली दूसरी पाइप की एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? डायरेक्टली बताने की कोशिश करो क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें जितना मैंने आपको समझाने में लिया है। करो करो, देखो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक भी करना चाहिए। देखो मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं समझाने में, बाकी यार बाकी पता नहीं भाई। चलिए तो जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपसे कि यार यहां अगर 1:3 है तो अगर मैं कहता हूं कि आर स्क्वायर कितना होगा 1:9, उल्टा कर दो तो ये तो एरिया का रेशो है तो उल्टा हो जाएगा 9:1, ठीक है माय डियर। मजा आया आप लोगों को, चीजें क्लियर हो गई आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ, करते हैं और सुनो मेरी बात। आपको पता है ना मेरी 3 बजे क्लास होती है, मेरी रात को 8 बजे क्लास होती है। आप दोनों क्लासेस में रेगुलर रहे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। 3 बजे मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, ट्राइंगल चल रहा है एक एक तरीके से बता रहा हूं। दूसरी 8 बजे वाली क्लास में मेरी प्रैक्टिस चल रही है जो इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिस है, आप आइए और सीखिए। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और ये दोनों क्लासेस मेरी अनअकैडमी पर होती है, 3 बजे वाली और 8 बजे वाली। मेरी प्रोफाइल साहिल खंडेलवाल में जाकर आप देख सकते हैं, वो मैं तरीका लास्ट में बताऊंगा, पहले इन क्वेश्चन का आंसर दें। कम ऑन गाइज, तो कैसे करेंगे? इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है, बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह। ए और बी 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकते हैं, तो यहां आपने 18 ले लिया, एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 और 2,
ठीक है। चलिए अब आगे क्या बोला गया कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाएगा और दोनों ही भरने वाली पाइप है तो 5 की रेट से भरेगी, तो 18 यूनिट को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, 18/5 यानी कि 3.6 घंटे। नेक्स्ट भाई अच्छा लगे लाइक करते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे करते हैं। दो पाइप ए है और बी है, 15 घंटे और 7.5 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 15 को तो 15 रहने दो और 7.5 को 15/2 लिख सकते हो आप। एलसीएम किसका लेना है, अंश का लेना है, तो यहां पर आएगी 1 एफिशिएंसी और यहां पर आएगी 2। आइए दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 3 की एफिशिएंसी से 15 यूनिट को भरने के लिए आपको 5 घंटे लगने वाले हैं। कर रहे हो ना अच्छे से, वेल डन। अगला क्वेश्चन करिए, दो पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो दो पाइप मिलकर है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। पहला पाइप अकेले 10 घंटे लेता है, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है सेम जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, तो ये सारे बेसिक कवर हो जाएगा यहां से आपका कि पहला और दूसरे पाइप की क्षमता 5 है, सॉरी रेट, और पहले की 3 है तो दूसरे की 2 होगी, तो अकेला अगर दूसरा भरता है तो 30 यूनिट को 2 की रेट से 15 घंटे में भर देगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिए कैसे करेंगे इसका आंसर आप बताएं। दो पाइप मिलकर एक टंकी को 4.8 घंटे में भर सकते हैं, दो पाइप मतलब पहला और दूसरा 4.8 घंटे में, पहला पाइप 8 घंटे में। अब एलसीएम देखो ये ढंग से लिखो आप, अब इसको क्या लिखेंगे हम, आप खुद बता दो क्या लिखूं। आप चाहो तो इसको 48/10 भी लिख सकते हो, मैं कह रहा हूं ना आपको कहीं तकलीफ नहीं देने दूंगा मैं। आपको तकलीफ होती है तो इसको 48/10 भी लिख सकते हो, आप इसको 24/5 भी लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा है। आप क्या लिख, मैं इसको 24/5 भी लिख सकता हूं, ठीक है। एलसीएम क्या लूंगा बताओ, ये 8 है ये 24 है तो 24 ले लो सर, तो 24 का 24/5 का आप 24 में भाग दोगे तो 5 आ जाएगा और इसका आएगा 3, तो इसका कितना आएगा 2। तो ये मैंने पॉइंट की वजह से लिया है जिससे कि आप एलसीएम लेना सीख जाओ। तो 24 यूनिट को अकेला अगर भरेगा दूसरा वाला पाइप तो 12 घंटे में कर देगा, 12 आवर्स में, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम माय डियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा लगे ना तो लाइक जरूर करिए, मैंने आपको हर चीज बताई है हर चीज। तो ये क्वेश्चन आज आपके होमवर्क में है, कर लोगे आज होमवर्क, पूरा होमवर्क कर लोगे ना, पक्का प्रॉमिस, पूरा होमवर्क कर लेना, पूरा होमवर्क, ठीक है, जो भी मैंने दिया है। कल हम पाइप एंड सिस्टम खत्म कर देंगे और शनिवार से क्या स्टार्ट करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, बहुत बढ़िया चल रहा है यार, आप बस पढ़ाई करते रहो। और वाकई में अगर सब कुछ सही लग रहा है आपको तो लाइक जरूर करके जाया करो और शेयर भी जरूर किया करो। अब आज की प्लानिंग सुन लो, ये सारा होमवर्क है, पीडीएफ थोड़ी देर में आएगी तो सब्र कर लिया करो, है ना, हाथ के हाथ नहीं आती है। चलो तो थोड़ा कंप्रेस भी करना पड़ता है, ये सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, कलम करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए और 2-4 टाइप के क्वेश्चन और डाल दूंगा मैं साथ के साथ। प्लानिंग पूरी आपको फिक्स बता रखी है, शनिवार को टेस्ट लूंगा अनअकैडमी पर 3 बजे, तैयार रहिएगा। शनिवार को भी टेस्ट है, पूरा टेस्ट होगा सभी पेपर्स के बिहाफ पर। देखो ये मैंने लिखा है सभी पेपर के बिहाफ पर, बेस्ड ऑन लेटेस्ट ईयर पेपर, ठीक है। और आज जो टेस्ट होने वाला है वाईफाई स्टडी पर, उसका सॉल्यूशन संडे की सुबह 11 बजे कराऊंगा। CHSL में आपका जो चल रहा है वो मैं अभी, मिक्सर रेशो पार्टनरशिप, ये सबको लेना है, ये YouTube पर होंगे सेशन, ठीक है, ये अनअकैडमी पर होंगे, ये लिख जाता है सब कुछ, है ना, तो फिक्स रखा करो दिमाग में। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का पूरा निचोड़ कराऊंगा संडे की रात को 8 बजे, ठीक है। आज क्या होने वाला है, आज 3 बजे ट्राइंगल का रिविजन करवाऊंगा, अनअकैडमी पर क्लास होती है, आना है भाई यार, कितना कहूं तुम लोगों से मैं, ठीक है आज, ठीक है ना। हाँ यहां पर ट्राइंगल का रिविजन होगा, ये 10 लिख देना है ना, मैं गलती से लिखा नहीं होगा। चलिए कैच द मैथ सेगमेंट होगा, कैच द मैथ सेगमेंट, तो कैच द मैथ सेगमेंट में आप सभी को आना है, रात को 8 बजे होता है, ठीक है, डेली आना है आपको, ये सारा सेगमेंट आपको लेना है, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्री फ्री प्लान के लिए अगर आप अनअकैडमी पर जा रहे हैं तो Sahil10 एज ए रेफरल कोड लगा लें, Sahil10 जैसे ही आप लगाएंगे तो आपको फ्री प्लान को एक्सेस करने में मदद मिलेगी और आप सारी चीजें देख पाएंगे, ठीक है। चलिए और मेरे प्रोफाइल में मेरी सारी क्लासेस मिलती है, मेरी क्लासेस SSC कैटेगरी में होती हैं,
और स्पेशल क्लासेस में जाना है, साहिल खंडेलवाल सर्च करके मेरी प्रोफाइल में मेरी कोई भी क्लास देखते हो या किसी भी एजुकेटर की कोई भी क्लास देखते हो तो फ्री प्लान के लिए साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना। जैसे ही लगाओगे अनलॉक हो जाएगा, अनलॉक होते ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है मेरा, पेड में फाउंडेशन कोर्स आ रहा है। दूसरी बात, साथ के साथ टारगेट सीएचएसएल भी आ रहा है। टारगेट सीएचएसएल बैच इस वीक लॉन्च हो जाएगा, जहां आपकी 15 तारीख को लास्ट डेट है वहीं से ही मैं टारगेट सीएचएसएल स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि पूरी प्रिपरेशन आपको मैं करा सकूं और धुआंधार तरीके से करा सकूं, ओनली टारगेट सीएचएसएल। लेकिन ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन नहीं मिलेगा उस फीस में, वो भी मिलेगा आपको, है ना, सब कुछ मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है ना, तो गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, पहले दिन से क्लास अटेंड करना डियर, पहले दिन से, तब मजा आएगा, फिर बाद में रह जाता है आपका। 12 महीने 24 महीने का कोर्स लो, साहिल 10 कोड लगाकर बढ़िया जुड़ जाओ और टेंशन बिल्कुल भी मत लो, फिर अप्लाई कर देना और बढ़िया पढ़ाऊंगा, आपको पता ही है प्राइस बढ़ने वाली है, जल्दी जुड़ जाना, नीचे कोड लगा देना साहिल 10, ठीक है। ये पूरा प्लान है मेरा, ये 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आज ही जुड़ जाओ जिससे कि मेरा फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाए, ठीक है। टारगेट सीएचएसएल 90 डेज में, 45 दिन अर्थमेटिक, 45 दिन एडवांस, 10 दिन मॉक टेस्ट, पूरा हो जाएगा काम। एक दो दिन थ्योरी कराऊंगा, फिर पूरे प्रैक्टिस सेशन लूंगा केवल सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए। तो लाइक और शेयर कर देना, ध्यान रखना अपना, और मिलते हैं 12:30 बजे। इसकी पीडीएफ थोड़ी देर बाद में आ जाएगी, 12:30 बजे परसेंटेज पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरी मेहनत चल रही है यार, क्या करूं बताओ, है ना, ठीक है। और ये गारंटी है मेरी, पेपर में पूरे क्वेश्चन फंसेंगे अपने, ये मैं पहले ही बोल देता हूं। सर कैसे फंसते हैं क्वेश्चन आपके, मेहनत करनी पड़ती है यार, ऐसे नहीं है कि उठ के आ गए, ऐसे नहीं होता है मेरे से। जो भी करा रहा हूं सटीक तरीके से करा रहा हूं, सिस्टमेटिक तरीके से करा रहा हूं, और सिस्टम में कोई आना नहीं चाहता लेकिन, और जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं ना, मैं तुम्हें रिजल्ट देके दिखा दूंगा, और क्या है। मेरा हर पेपर मैंने अड़ाया है पेपर में, एज इट इज क्वेश्चंस भी आए हैं, डेटा भी चेंज हुआ है, तो बस आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, ठीक है, मेरे पे भरोसा करें बस आप, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, मिलूंगा 12:30, फिर 3 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है, आपको पता है, ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ रात को 8 बजे, फिर है ना। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।